महंगाई से सताए गरीब आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए अपनी नौइयत का पहले रमजान पैकेज का ऐलान। पहले मरहले में सूबा पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा दिया जाएगा। गरीब घरानों को रमजान पैकेज के तहत आटे की फराहमी पर जामे हिकमत अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुल्क गिर तंजीमी कन्वेंशन जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर और पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अब से कुछ देर में शेखपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। शहर को मुस्लिम लीग नून के परचमों, पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले पैराफ्लेक्स से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी मौजूद। सोच बेचार सियारी शख्स को वजीर आजम बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान खान की आज भी सोच वनडे क्रिकेट वाली है। सियासी लीडर आइंदा 10 साल की सोचता है और उसकी मनसूबाबंदी करता है। मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का रिहाड़ी में इस्तकबालिये से खिताब। इमरान खान की कहानी इम्पोर्टेड हुकूमत से शुरू हुई और अब माजूरी और बुजुर्गी पर पहुंच चुकी है। इस शख्स ने आईन और कानून का तमाशा बना रखा है। अदालतों से कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो। अदालतों को चाहिए कि वो फौरन इमरान खान को कचहरे में ला खड़ा करें। पेश नहीं होता तो गिरफ्तार करके पेश करवा देना चाहिए। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का बयान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मजीद तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। जी सदफ बताइएगा। जी इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के जो इमरान खान के काबिले जमानत वारंटी गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की अदम पेशी पर काबिले जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी किए हैं। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद को काबिले जमानत वारंट के तामीर जो है वो करवाने का हुक्म दिया गया है और इमरान खान को 14 मार्च को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तलब कर लिया गया है। जी इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 14 मार्च को तलब कर लिया गया है। सदफ अफजल आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह करें तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, न्यूज शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल। और प्रोग्राम के आगाज में महंगाई से सताई आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक अच्छी खबर। हुकूमत ने महंगाई से सताई गरीब आवाम के लिए बड़ा रमजान पैकेज तैयार किया है जिसके तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। पहली दफा गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का ये अपनी नौइयत का पहला पैकेज है। पहले मरहले में सूबा पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खसूसी रमजान पैकेज के तहत
मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि गरीब घरानों को रमजान पैकेज के तहत आटे की फराहमी पर जामा हिकमत अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। माह रमजान में रोजादारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। पंजाब मॉडल की तर्ज पर मुल्क भर में रमजान पैकेज की गरीब आवाम को फराहमी के लिए विफाक सूबों को हर मुमकिन तआवुन फराहम करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने रमजान पैकेज के हवाले से वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी, सेक्रेटरी फूड और दीगर आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सोच विचार से आरी शख्स को वजीर आजम बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान खान की आज भी सोच वनडे क्रिकेट वाली है। विहाड़ी में इस्तकबालिये से खिताब में उन्होंने कहा कि सियासी लीडर आइंदा 10 साल के सोचता है और उसकी मनसूबाबंदी करता है। साबिक सदर ने कहा कि आवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का मंशूर है जिस पर भरपूर अंदाज में अमल करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शेखपुरा में आज तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर को मुस्लिम लीग नून के परशमो पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के अंदर तंजीमी कन्वेंशन का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज शेखपुरा में तंजीमी वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है, जहां मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर खिताब करेंगी। मरियम नवाज आज इस जलसे से न सिर्फ खिताब करेंगी बल्कि वहां पर मौजूद जो तंजीमी ढांचा है उसके हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोर से जारी हैं। शहर को मुस्लिम लीग नून के परचमों पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस तंजीमी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत के लिए वहां पहुंच रही है। इससे पहले अगर उरूज हम बात करें मुख्तलिफ शहरों में होने वाले तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन की, तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो इस तंजीमी वर्कर कन्वेंशन का हिस्सा बने। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुफियान बताइएगा क्या अपडेट है अभी तक वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से? आज बिल्कुल, मैं इस वक्त जंडियाला रोड शेखुपुरा मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एक बहुत बड़े वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कारकुनान के आने का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि शेखुपुरा और अतराफ से भी बहुत बड़ी तादाद में काफलों की सूरत में, टोलियों की सूरत में कारकुनान वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए जंडियाला रोड स्पॉट का रुख कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर मुकामी की आदत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो शेखपुरा से जिनका ताल्लुक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आवाम से खिताब भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी यहाँ पर मौजूद होंगी और अहम खिताब करेंगी, जिसको सुनने के लिए यहाँ पर पीएमएलएन के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो बेताबी से इंतजार किया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें खवातीन और बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो इस खिताब को सुनने के लिए बेताब हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये खिताब जो है वो बराए रास्त देखा भी जाएगा और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो सुन भी सकेंगे। जी सुफियान, शेखुपुरा के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है इसको, और सिर्फ यही नहीं इसके करीबी इलाके गुजरावाला भी मौजूद है। वहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन तंजीमी वर्कर कन्वेंशन हुआ जिस पर मरियम नवाज की जानिब से बाकायदा जो है वो तारीफ की गई कि वहाँ जिस तरीके से मैनेजमेंट की जानिब से इसके कन्वेंशन का इनका किया गया था। तो शेखुपुरा की अगर हम बात करें, फोटोज में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि एक तो जोशो खरोश कैसा है वर्कर्स के अंदर और तादाद कितनी है इस वक्त अगर बात की जाए तो? आज बिल्कुल, गुजरावाला में बहुत कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था
लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि शेखुपुरा जो कि जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का। यहां पर पिछले कई सालों से पीएमएलएन के उम्मीदवार ही कामयाब होते आ रहे हैं। इस वक्त भी हम जिस हल्के में मौजूद हैं, यहां से वफाकी वजीर मियां जवेद लतीफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं और बहुत मजबूत उनकी यहाँ पर ग्रिप है। इसी के साथ साथ शेखुपुरा कई सालों से, कई दहाइयों से पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता है, किला समझा जाता है, और हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन में जो है वो कारकुनान नजर आ रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खिताब सुनने के लिए। और यहाँ पर जो जो कारकुन पुराने पीएमएलएन के कारकुन हैं वो भी यकीनन बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े उनमें काफी जोशी जज्बा हमें देखने को मिल रहा है। यकीनन अब से कुछ देर बाद सुनने में आ रहा है कि खिताब के बाद भी मरियम नवाज यहाँ पर जो कुछ देर में पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। शेखुपुरा में पार्टी कारकुनों का जोश और खरोश दीदनी है। मोहम्मद सुफियान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तिलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदालतों को लीडर और गीदड़ में फ़र्क समझना चाहिए, अदालतों को तारीखों पर तारीख नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा रवैया इख्तियार किया गया तो कोई भी मुलज़िम अदालत में पेश नहीं होगा। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि मुल्की तारीख में ऐसा मुलज़िम नहीं देखा जिसे अदालत बुलाए और फिर उसका इंतज़ार करे और वो पेश भी ना हो। उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जिसने 4 साल हुकूमत भी वीडियो लिंक पर चलाई, अब अदालतों को कह रहा है कि मैं वीडियो लिंक पर पेश होऊंगा। वफाकी वज़ीर इत्तिलात ने कहा कि लोग इसके लॉन्ग मार्च में गोलियाँ खाते रहे और ये पलस्तर बांधकर जमान पार्क में वीडियो लिंक पर बैठा रहा और ये कहता है कि मैं अदालत बचाओ तहरीक चलाना चाहता हूँ। ये अदालत बचाओ नहीं, अदालत से बचो तहरीक है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि उसने अदालत में पेश नहीं होना, उसने अफरा तफरी जारी रखनी है, उसे डर है कि कहीं मईशत में इस्तेहकाम ना आ जाए, इसलिए अफरा तफरी मचा रखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि सियासतदान इज्जत व आबरू के साथ जेलों में जाते हैं लेकिन गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला शख्स ने यह इज्जत अब भी खाक में मिलाती है, यह अपने हवारियों को इदारों से मज़ाहमत पर उकसा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर इमरान खान की सियासत की कोई औकात नहीं। 75 साल तारीख में अदालतों में पेश न होने की मनफी रीट डालने वाला मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। अब तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी कह चुके कि मैंने उन्हें मुकम्मल सादिक अमीन नहीं कहा था। एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके आगे बेनकाब हो रहा है। उसको पता लग रहा है कि ये बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अपने दौरे में अफगान हुकूमत ने हमारे मौकफ पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। अफगानिस्तान जो है बाउंड है दोहा एग्रीमेंट के तहत कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी चीज़ के ऊपर हमने वहाँ पर जाके इसरार भी किया कि आप उस एग्रीमेंट को ऑनर करें और उनमें उन्होंने तजावीज़ भी दी इस चीज़ को कंट्रोल करने की। वो हमारी पोजीशन को फुली उन्होंने अंडरस्टैंड किया और अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की तमाम सपोर्टर्स को पता चल गया है कि उनका कायद जेल से डरता है। इमरान खान में हिम्मत नहीं है तो थोड़ी सी मोहम्मद नवाज शरीफ से ले ले। सियासतदान जो है जेल में जाता है, इज्जत आबरू के साथ जाता है, फख्र करता है कि मैं अपनी नजरियात की वजह से जो है विक्टिमाइज हो रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ जो है उसने सैकड़ों पेशियाँ भुगती, उसकी बेटी ने सैकड़ों पेशियाँ भुगती, कैद हो गए, नाअहल हो गए, लेकिन अदालतों को डिफाई नहीं किया। ये शख्स अदालतों को डिफाई कर रहा है। ये सियासी रानमा या सियासी कारकुनों का बिहेवियर नहीं है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि इमरान खान के साथ भी बाकी सियासतदानों जैसा सलूक हो। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ जाता है, आप भी सुनने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट की मंसूखी का मामला, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इमरान खान को 13 मार्च को इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी के मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि इमरान खान को 13 मार्च को इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। बिलाल शेख इस वक्त हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल बताइएगा, कोर्ट ने क्या कहा है अपने फैसले में? बिलाल शेख से दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको हम खबर से आगाह करें, अदालत ने इमरान खान के वारंट मनसूखी के जो महफूज फैसला था उस पर फैसला सामने आ चुका है। इमरान खान को 13 मार्च को इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का मामला,
इस वक्त अदालत ने वारंट मंसूखी के इमरान खान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। इमरान खान को 13 मार्च को इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया था। बिलाल शेख से मजीद अपडेट ले लेते हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी, ये इस्लामाबाद में जुडिशियल सेशन जज है जहाँ पर तोशाखाना का जो फौजदारी केस है उसकी जानिब से जो इमरान खान के गैर हाजिरी पर उनकी जो है बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, इसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उसको उसको वारंट जो थे उसको सस्पेंड करने को के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक, उनकी अदालत में आज समाअत हुई है। इमरान खान के वकला ने इसमें आज दलाइल देते हुए मौकफ अपनाया। उन्होंने कहा कि जी ये जो वारंट जारी किए गए हैं इसको मुअत्तल किया जाए। उन्होंने अदालत से वक्त तलब किया था। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिस पर आमिर फारूक ने कहा था कि हम कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो इससे ये तासुर जाए कि अदालत जो है जानबदारी का मुजाहरा कर रही है और एक फरीक के लिए कुछ और फैसला कर रही है और किसी दूसरे के लिए कुछ और फैसला करी है। जिस आमिर फारूक ने यह कहा था कि सिक्योरिटी के खदशात यहाँ पर सबको लायक है, हमें भी सिक्योरिटी की यहाँ पर थ्रेट्स रोज मौसूल होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कानून पर अमल ना करें। अदालत ने आपको मुसलसल बुलाया और अदालत ने आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुलाया था। अदालत ने आपके वारंट जारी नहीं किए थे, आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जानी थी जिसकी अदालत ने आपको बुलाया और अदालत के पास जो मातहत अदालत है जुडिशियल सेशन जज की, उसके पास कोई और चारा नहीं था कि आपकी वारंट गिरफ्तारी जारी करते और आप अदालत में पेश हो जाते तो आपको इसकी नौबत ना आती। इस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया था। मुख्तसर तकरीबन 3:15 के करीब जब से कुछ देर पहले अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत ने जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए। तमाम अदालत ने जो कलदम करार देने की दरख्वास्त थी वो इमरान खान की मुस्तरद कर दी और हुक्म उनको दिया है कि वो अदालत में पेश हो और अदालत में 13 तारीख तक पेश हो। और अदालत ने मुतल्लिका जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट को हिदायत की है कि अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ जो जब्ते की कार्रवाई है वो जारी रखी जाए। जी, अदालत ने वारंट मनसूखी के इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। बिलाल शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कोई भी सियासी जमात या फर्द मुल्क को मसाइल के दलदल से अकेला नहीं निकाल सकता। लाहौर में नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान मुजरिम के तौर पर तारीख के कटहरे में खड़े हैं, उन्हें हर तरफ से फायदा दिया जा रहा है। कोई एक सियासी जमात, कोई एक अकेली लीडरशिप या मार्शल लॉ लगाने वाले या अदलिया पाकिस्तान को मसाइल से तनहा नहीं निकाल सकते, लेकिन सबसे अहम रोल जो है इसमें वो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट को जो जंजीरें पहनाई गई हैं उन जंजीरों को पहनाने के अमल में इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हैं और उस खेल का हिस्सा भी थे। फिर उसमें मुख्तलिफ वक्तों में लोग आते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और जुडिशरी में और वो उनके साथ उस खेल के हिस्सेदार बनते रहे। बहुत से लोग रिटायर्ड होके जा चुके हैं, वो तारीख के कटहरे में खड़े रहेंगे। वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि आज फिर अदालत मफूर खान को बुलाती रही लेकिन वो पेश नहीं हुए। अगर तोशाखाना से चोरी नहीं की तो अदालत में तलाशी देने से डर क्यों रहे हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान आज फिर अदालत निजाम और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अदालत की जानिब से किसी भी मुजरिम को इतनी सहूलियात और मरात नहीं मिलती जितनी लाडले खान को मिल रही हैं। हमारे रहनुमाओं को पाबंदी से अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता था। कानूनी और अदालती उसूल सबके लिए एक क्यों नहीं है। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा कि इमरान न्यासी को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती हुक्म की तामील कराने की कोशिश की। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान हर पेशी पर अदालतों में वकील तब्दील करते हैं। इमरान न्याजी गिरफ्तारी के शदीद डर और खौफ का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान समझते हैं कि तोशाखाना का केस मामूली है जबकि ऐसा नहीं है। अभी तक इमरान न्याजी साहब पेश नहीं हुए, वो एक शदीद डर और खौफ में मुबतला है इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को ये तसल्ली देना शुरू कर दे कि ये मामूली केस है तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। महीनों की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि जी इमरान न्याजी साहब जिस मुकदमे को मामूली कहते हैं इसमें अरबों रुपए की चोरी है, अंडर वैल्यूएशन है,
और वो पैसा ब्लैक मार्केट में उन अशिया को बेच के अपने अकाउंट में भी जमा कराया गया और जाती इस्तेमाल में लाया गया। ये है तोशाखाना का केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि तोशाखाना ट्रायल चल रहा है, 5 माह हो गए, इमरान खान पेश नहीं हो रहे। जो सहूलत अदालती निजाम में इमरान खान को मुयस्सर है वो सब साइलीन को होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अदालती निजाम और औकातकार को मजाक बना रहा है, अदालत ही बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं ताकि इनकी मर्जी से केस चलाया जा सके। ये पाकिस्तानी सियासत में अहम नौयत का केस है, सबकी नजरें उस पर है। घंटे बाद एसपी साहब वहां से तशरीफ ले जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है और फिर वो अदालतों को पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पर जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुलजमान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी। एक तरफ इस मुल्क के अंदर वो कानून के जब एक गरीब शख्स भी अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए सालों मुकदमे का वेट करता रहता है, इंतज़ार में रहता है, लेकिन एक तरफ एक ऐसा शख्स है कि जिसको बार बार अदालतें तलब कर रही है, उसका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वो शख्स पेश होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अदालतें भी यहाँ पर मफलूज नज़र आती हैं और वो शख्स अपने रवैये की वजह से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक सवालिया निशान बना हुआ है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर एक तरफ एक आम शख्स जिसको इंसाफ तब मिलता है जब या तो इस दुनिया से चला जाता है या सालों गुजर जाते हैं, लेकिन एक तरफ वो शख्स है कि जो इतने बड़े मुकदमात में मुझे उस पर फर्द जुर्म आयद की जानी है उसको अदालतें बार बार तलब कर रही हैं लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रही गई। जी आप सही सवाल उठाया आपने। दो वजह होती हैं कि कोई आदमी इस कदर अपने आप को यानी तकब्बुर में महसूस करता है कि वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर नहीं करता। एक वजह ऐसी ताकत, ऐसी जारहाना ताकत जो समझे कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, बस में फ्यूडल या इस तरह के कुछ और लोग, वरना तो फ्यूडल भी चले जाते हैं अदालत के सामने। दूसरी वजह ये होती है कि आप आइन कानून और रियासत की हकीकत को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान का दूसरा केस है, वो पाकिस्तान के आइन कानून और रियासत की हकीकत को तस्लीम नहीं करते, इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। ये सूरत हाल नहायत अफसोसनाक है कि एक मुजरिम के सामने इंसाफ फराहम करने वाले इदारे बज़ाहिर बेबस नजर आते हैं। मसलन आज की एक पेशरफ्त है, एक अदालत ने कहा कि अगर इमरान खान का प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ चाहे तो वो आके अदालत का जायजा ले सकता है कि वहाँ की सिक्योरिटी फूल प्रूफ है कि नहीं, और उसके बाद वो फैसला कर लें कि अदालत में मुलजिम को आना है कि नहीं। ये सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है, वो उसी तरह तकलीफ दे है जिस तरह से आपने अपने सवाल में कहा। ये सूरत हाल मुलजिम के सामने निज़ाम को और रियासत को सरनिगू करने की है। ऐसा अगर होने लगे तो फिर रियासत का कोई जवाब नहीं है, फिर आईन और कानून का कोई जवाब नहीं है। मुजरिम को जो अदालत में पेश होने से इनकार करे, जो अदालत के सामने सर झुकाने से और सरेंडर करने से इनकार करे, उसको तो चाहिए ये एक कुरान की एक आयत है कि आप माथे से पकड़ के उसको सामने पेश कर दें। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे मुजरिम को माथे के बालों से पकड़कर अदालत के सामने उसको पेश कर दें और उसको उससे घुटने टिकवा दें, वरना रियासत का वजूद गायब हो जाएगा। और इस वक्त इमरान खान दुनिया पर यही साबित कर रहे हैं ताकि दुनिया के साथ न पाकिस्तान का ताल्लुक कोई कायम रहे, न पाकिस्तान किसी के साथ कारोबार कर सके, और न अगर कोई पाकिस्तान को रिलीफ कहीं से मिल सकता है जैसे IMF के मामलात हैं और दीगर वो मिल सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हमें इसको मामूली बात नहीं समझना चाहिए और रियासत के इदारों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मुल्जिम को अदालत के सामने पेश कर देना चाहिए।
आपने ये सारा मामला बयान किया, ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, एक शख्स जो सादिक और अमीन होने का दावेदार है, रियासत मदीना का दाई कहलाता है, वो आखिर अदालतों में पेश होने से क्यों डर रहा है? अगर हमले का खतरा है तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? जी देखिए, अल्लाह से, अगर अल्लाह से डरते होते तो वो झूठ पीटा बोलते, थोड़ी देर पहले कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ और कुछ देर के बाद वो मीडिया के सामने जलवा अफरोज हो जाते हैं, है ना? तो वो अल्लाह से डरते होते तो झूठ ना बोलते, नंबर एक। नंबर दो ये बात है कि आप उसको समझते नहीं है, उस मामले को समझते, दरअसल वो आपको क्या बावर करा रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं रियासत से बुलंद हूँ, और अगर मैं रियासत से बुलंद हूँ तो आपकी और आपके इदारों की क्या औकात है कि कोई मेरी वो कर सके? रही बात उसके सादिक और अमीन होने की, ये बात जिस जमाने में ये फैसला हुआ था उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट से ये बातें सामने आई थी कि ये जो फैसला हुआ है ये एक पेशी की मार है और ये बरकरार नहीं रह सकता ये फैसला। और अब ये बात कल जिससे साकिब निसार ने कह दी है, एक तो ये कि मैंने उसके बहुत महदूद मानों में सादिक और अमीन करार दिया था। महदूद माने क्या होते हैं? सही है ना, अहमकाना बात है ये। इसका मतलब ये है कि सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, वहां भी सियासत हो रही थी, और जैसे कुछ सहूलतकार इमरान खान के हैं उस वक्त साथ ये लोग भी है, साकिब निसार वगैरह भी उनके सहूलतकार बने हुए थे और वो रियासत को मजाक बना रहे थे। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आपने भी इशारा किया कि हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो रियासत मदीना सानी कायम करने का दावेदार है, जो अपनी पूरी अपने जब वो दौर था उसका तो वो ये कहता रहा कि इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जब आप कहते कुछ हैं और अपने अमल से करते कुछ हैं तो इससे तो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप एक तारीख के झूठे शख्स साबित हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और इस वक्त आप ये जिहाद कर रहे हैं उन लोगों के सामने ये हकीकत पेश करके कि इमरान खान एक यानी बिल्कुल मुनाफिक शख्स है, कहता कुछ है करता कुछ और है, ना उसका कुछ दीन से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से, ना पाकिस्तान की रियासत से, ना उसके आइन से, वो एक बागी है, उसके साथ बागी का ऐसा सलूक होना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिर में ये फरमा दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने भी आज एक नाकाबले उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं काबिल जमानत, और उनको कहा है आई जी इस्लामाबाद को इमरान खान को पेश किया जाए, जो कोर्ट के फैसलों को नहीं माना नहीं पेश हुआ, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मानेगा और इस वारंट गिरफ्तारी पे पेश होगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, उसको पेश करना चाहिए, उसको बिल्कुल जैसे मैंने कहा कुरान की आयत के मुताबिक इसे माथे के बालों से पकड़ कर अदालत के सामने फेंक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदल साहब आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ऐसा शख्स कि जो अपने दौर में ये बात करता रहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि जब ये अपने अमल पे बारी आई तो आपने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आप कभी सच्चे थे ही नहीं। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तालीम समेत दूसरे शोबों में तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमीशन के जेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हमारा तालीमी निज़ाम भी तरक्की की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में तालीमी निसाब इंडस्ट्री की मुशावरत से मुरतब होता है, जबकि हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हो सका। फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान एजुकेशन इज अ बिग चैलेंज। अनफॉर्चुनेटली इन आर हिस्ट्री we have not been able to accomplish which many other countries were able to accomplish. One of the major missing links in our social sectors is stability and continuity of policies. برطانیہ کے قائم کام ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھنے سے چیلنجز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اچھے مستقبل کے لیے تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ نصاب اور امتحانی نظام میں اصلاحات کے ساتھ اساتذہ کی تربیت پر بھی توجہ دینا ہوگی تاکہ ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ رانا افتخار احمد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور امریکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو 500 تعلیمی وظائف دے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں کہ پیشہ وارانہ اور اعلیٰ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایچ ای سی اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کی تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्की मईशत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालेंगे, जिसके लिए नौजवानों को भरपूर मौके फराहम कर रहे हैं। डेवलपमेंट डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, नेशंस हैव टू प्रिपेयर फॉर डेवलपमेंट। पाकिस्तान फ्यूचर डिपेंड्स हाउ फास्ट वी कैन एम्पावर पाकिस्तान 50% फीमेल पॉपुलेशन, बिकॉज नो कंट्री can progress by keeping half of its population outside the development arena. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے تعاون اور معاونت جاری رکھے گا. Our relationship is very strong today. It's been strong for many years in many ways, and we want Pakistan to get through this immediate crisis and to find a way to unleash its enormous potential. دوسرے مقررین نے کہا کہ تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت کے بغیر ملکی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے، جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی، کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں وزیراعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر الزمان قائرہ نے لیبیا اور اٹلی میں حادثوں میں پاکستانیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جانے سے اجتناب کیا جائے اور حکومت جام حق افراد کی میتیں پاکستان لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ناظرین، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور باہمی تعاون سے معاشی استحکام کی منازل طے کر سکتی ہے. وہ کراچی میں اسلامک ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کی 24ویں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے سہیل جمالی. مسلم ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروغ اور سماج کی معاشی ترقی کے عنوان سے جامعہ کراچی میں کانفرنس کا انعقاد کامسٹیک اسلام آباد اور انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے تعاون سے ہوا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دنیا اور مسلم ممالک کو موسمیاتی تبدیلی، غربت اور غذائی قلت کا چیلنج درپیش ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق کی ترقی سے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. It is only through the application of science and technology that we can handle the enduring challenges of poverty, climate change, food insecurity and increasing disease burden that faces the world today. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیلاب اور ترکی کے زلزلے میں انسانی جانوں، انفراسٹرکچر، عمارتوں، زراعت اور لائف سٹاک کا نقصان دکھ اور تکلیف کا باعث ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے تحقیقی ادارے اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردن سے تعلق رکھنے والے اسلامک ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کے صدر پروفیسر عدنان بدران، جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی، پروفیسر عطاء الرحمان اور دوسرے مقررین نے کہا کہ یہ کانفرنس امت مسلمہ کی سائنس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور عزم کی نمائندگی کرتی ہے. انہوں نے امت مسلمہ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز و اقدامات بھی پیش کیے. کانفرنس میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور اسلامک ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کے بانی سرپرست اردن کے شہزادہ حسن بن طلال کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا گیا. تقریب کے آخر میں وزیر اعلیٰ اور معزز مہمانوں کو کانفرنس کی خصوصی شیلڈز پیش کی گئیں. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی.
और अदाकार कवि खान को कनाडा के शहर मिसिसागा में सपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकार कौमी कवि खान की नमाज जनाजा कनाडा के शहर मिसिसागा की जामा मस्जिद में अदा की गई, जिस पर उनके अजीज व अकारिब साथी अदाकारों और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों ने शिरकत की। अदाकारों में मकामी फनकारों के अलावा शाहिद हमीद और महमूद अख्तर भी शामिल थे। इस मौके पर मरहूम के अजीज व अकारिब ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कवि खान न सिर्फ अदाकारी के मैदान में लेजेंड की हैसियत रखते थे बल्कि वो एक नफीस और मिलनसार इंसान भी थे। वो इन दिनों इलाज के सिलसिले में कनाडा के शहर मिसिसागा में मुकीम थे। कवि खान ने 200 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए जबकि टीवी, स्टेज और थिएटर में भी फन का मुजाहरा किया। अदाकार कवि खान को अदाकारी की दुनिया में तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों का कवि खान के इंतकाल पर क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कवि साहब को हम एक पल के लिए जुदा न करें, लेकिन क्या करें, बुलावा जिस हस्ती का है वो अल्टीमेट है, उसके पास हमें सबको जाना है। कवि साहब के जाने का बहुत दुख है, उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी और बड़ा साथ रहा, उनके साथ काफी प्रोजेक्ट पे काम भी किया। उस एक खूबसूरत आदमी के लिए हमारी जितनी दुआएं हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। पूरी फैमिली के साथ जो है वो ताजियत करते हैं और दुआएं खैर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कवि साहब की मंजिलें आसान फरमाए। टेलीविजन की इत्तेदा और बेतहाशा ड्रामों में काम किया, बहुत काम किया, फिल्मों में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आज आप अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए। अदाकार तो थे ही वक्त बड़े, लेकिन एक इंसान बड़े अच्छे, हमेशा एक शफ़क़त उनके चेहरे पे रहती थी हर एक के लिए। सिन्फ़ नाजुक कहलाने वाली आज के दौर की ख़वातीन हर चैलेंज से नबर्दाज़्मा होने का हौसला रखती हैं। अगर मुआशरे का साथ और तआवुन इसमें शामिल हो जाए तो कठिन सफ़र भी आसान हो जाता है। ऐसे ही एक बाहिम्मत लड़की की कहानी कराची से नौरीन आसिफ की ज़बानी। शुरू में मैं रोई भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हुई थी। मम्मी का ऑपरेशन था, पहले ये शौक था, अब ज़रूरत बन गया है। खुशी हो या मजबूरी, आज भी घर से बाहर कदम रखने से पहले खवातीन को माशरे के कई मनफी पहलुओं को सोचना पड़ता है, लेकिन एलिया ने अपनी कई सोचों को पसे पुश डालकर वालदैन की सपोर्ट के लिए घर के आराम और तहफ्फुज़ को छोड़ा और अपना कारोबार शुरू किया। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये गलत कर रही हैं, आप घर में बैठे ऑनलाइन काम करें, ये करें वो करें, बहुत मशवरे भी दिए। हाँ, लोगों को फेस करना पड़ता है, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे इस चीज की आदत नहीं थी। अपने ही इलाके में पीने के साफ पानी का आरओ प्लांट चलाने वाली एलिया को मुख्तलिफ माशरती रवैयों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद वो बुलंद हौसले लिए कारोबार चला रही है। ये सोचें कि आपको आपने खुद खाना है निवाला कोई बना के नहीं देगा। मैं 15 घंटे मेहनत करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मेरा घर चल रहा है, मेरी माँ, मेरे बाप, उनकी ज़रूरत है। इस वजह से मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं वो बस वो सोचती हूँ, बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उनकी परवाह करूंगी तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। जिम्मेदारी का बोझ कैसा भी हो, खवातीन इसे बखूबी निभाना जानती हैं। रोजगार कमाने वाली खवातीन को इज्जत और तहफ्फुज देकर मिसाली माशरा तश्कील दिया जा सकता है। 21वीं सदी में हुनर और जिम्मेदारी जिंसी इम्तियाज से मंसूब नहीं बल्कि जज्बे और लगन की मरहूने मिन्नत है। औरत जहां घरदारी संभालना जानती है, वहीं मर्दों के शाना बशाना काम करके मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रही है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली जोश व खरोश से मना रही है। खुशी और रंगों के त्यौहार के हवाले से देखते हैं शराज अली डाहरी की ये रिपोर्ट। रंगों और खुशियों के त्यौहार होली की तकरीबात मुल्क भर में जारी हैं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। होली के त्यौहार पर छोटे हों या बड़े या खवातीन, सब अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे पर रंग डालकर करते हैं। मंदिरों और घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। हिंदू मजहब के अकीदे के मुताबिक होली की खुशियां मनाने के लिए साल भर तैयारियां और इंतजार किया जाता है। हम हिंदू मुसलमान सब मिलके इकट्ठे एक दूसरे के साथ मनाते हैं। जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं वो ना सिर्फ हमें होली की मुबारकबाद देते हैं मगर वो मुबारकबाद लेते भी हैं, और ये तसलसल हमारा यहाँ पर सदियों से कायम और दायम है, और हम बहुत ही पुरसकून और पुरअमन फिजा में अपना जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं। होली के पहले दिन मिठाइयाँ, तकरीबात और अजीज व अकारब के लिए कई अकसाम के खाने और तहाइफ देने का सिलसिला जारी रहता है।
बाद में एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया जाता है। होली की तकरीबात में हिंदू बरादरी की जानिब से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं, जिससे मुल्क में मजहबी रवादारी और यकजहती का पैगाम उजागर हो रहा है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में कदरे गर्म रहेगा। जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत लय में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम -2 और -1 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करेंगे PSL 8 के हवाले से। पेशावर जलमी ने आज अपनी चौथी कामयाबी समेट ली है। इवेंट के 23वें मैच में लाहौर कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त दी है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर जलमी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। सख्त हाथ लगे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। नाजरीन, PSL 8 में आज के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें रावलपिंडी में ही मद्दे मुकाबल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। मैच अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रवा इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। पहले मैच में मुल्तान ने 52 रन से कामयाबी समेटी थी। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचा अपने इख्तिताम को। यहां एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।